सहाफ़त में मुझे 25 साल का अरसा हो गया है। कम से कम मेरी याददाश्त में ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ कि पुलिस ने प्रेस क्लब पे बाकायदा धावा बोल दिया हो, आंसू गैस इस्तेमाल की हो, लाठी चार्ज किया हो। तो मैं ये समझता हूँ बहुत शर्मनाक वाक़या है और बहुत अफसोसनाक वाक़या है, जिसने जो हमारे मुखालिफ है, जो भारत है, उसको एक प्रोपेगेंडा का मवाद फराहम किया है। इसलिए मैं इसकी जो है संगीनी की वजह से हम जो है आज सड़कों पर निकलने पर मजबूर हुए हैं, और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस पर जुडिशल कमीशन तरतीब दे के इसके जो किरदार हैं उनको बेनकाब करें और उनको जो है वो करार वाकई सज़ा भी दें। वो PNA की जो लीडरशिप थी वो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए। उनकी लीडरशिप के तकरीबन कोई 22 के करीब लोग वहाँ अंदर बैठे हुए थे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजा एमजी साहब के इंतज़ार में थे कि कोई प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी सीटिंग होनी है और उसके बाद वो वहाँ से चले जाएंगे। तो इतने में जो है वो DSP रियाज मुगल जो है वो गेट से अंदर दाखिल हुए और उनके साथ पुलिस से 40 से 45 एहलकार पुलिस के डंडे और लाठियाँ उठाई हुई थी। वो अंदर दाखिल हुए और जब अंदर दाखिल पहुँच गए तो मैंने उनको कहा कि मोहतरम, ये प्रेस क्लब है, इसके तकद्दस का ख्याल करते हुए ये क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा मैं सब कुछ नस्तनाबूद कर दूंगा, किस साफी की बात करते हैं, मैं तो किसी को माफ़ नहीं करूंगा। तो सब साफियों पे उसने डंडे बरसाने शुरू कर दिए और मैंने उसकी ठोड़ी को हाथ लगाया। मैंने कहा DSP साहब, ये प्रेस क्लब है और ये आपके लिए जो है ना ये मुश्किल हो जाएगी। तो उसने कहा कि जिसने मुझे करना है कुछ कर ले। उसने फिर जो है ना लाठी डंडों से जो है ना लोगों को मारना शुरू किया, जिससे हमारे 5 साफी मौका पर वहाँ गिर पड़े, जिनमें राय शौकत इकबाल साहब, मसूद अब्बासी और मैं खुद जो है ना वहाँ पर जख्मी हुए। हमें CMH तक ले गए और बाद का वाक्य जो रोनमा हुआ उसमें सारे लोग हमारे बैठे। तो मैं समझता हूँ कि मुझे 27 साल हो गए हैं रियासत के तालब इल्म की हैसियत से, साफ़ी की हैसियत से, आज तक मैंने ऐसा बदतरीन वाक्य, अंदरनाक वाक्य मैंने नहीं देखा किसी प्रेस क्लब के अंदर जो हमारी पुलिस ने दहशतगर्दी की है। PNA यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था और ऐसे में जो है पुलिस की तरफ से उन पर लाठी चार्ज किया गया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जो कि बिल्कुल गलत अमल है। और वहाँ पे जब सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे थे और उन्होंने ये खबर के सिलसिले में वहाँ पर मौजूद थे और खबर नशर कर रहे थे, तो ऐसे में सहाफ़ियों पर भी लाठी चार्ज किया गया और फिर रात गए प्रेस क्लब पर जो है पुलिस की जानब से हमला किया गया। ये बिल्कुल गैर आइनी तरीका है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इसीलिए आज हम सड़कों पर हैं कि IG पुलिस हैं जिनके कहने पे जो ये हुआ और चीफ सेक्रेटरी जो हैं, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, उन दोनों को यहाँ से वापस भेजा जाए और जो भी जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं उन सब लोगों को पकड़ा जाए और उनको सजा दी जाए। प्रेस क्लब किसी भी रियासत के अंदर एक अमानगाह होती है, दारुल अमान होता है, और उसके अंदर लोग अपना माफी ज़मीर बयान करते हैं। कल रियासत जम्मू और कश्मीर के प्रेस क्लब जो जुर्म व इतराफ़ के आवाम का चेहरा है, उसमें जिस तरह पुलिस ने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, गलत रवायत डाली, ये इससे दुनिया भर में कश्मीर की बदनामी हुई है। लिहाजा फौरी तौर पर एक बाख्तियार कमीशन तश्कील देकर जो इसमें मुलव्वस हैं वाकया में, उनके खिलाफ करारे वाकई सजाई देकर आइंदा के लिए निशाने इबरत बनाए जाए। रियासत के सबसे बड़े इदारे सेंट्रल प्रेस क्लब पर इस तरह धारा बोला गया और रियासत के और मुजफ्फराबाद के खुसूसन इस पुरअमन शहर में इसके अमन को ख़राब करने का किया, ये मिस हैंडल किया। इस सारे वाक़े को मिस हैंडल किया गया, जिसके लिए हम भरपूर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि जुडिशरी इंक्वायरी कायम की जाए। और ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो अफवाज पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो इस वक्त भारतीय एजेंट को आगे बढ़ाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि हम ऐसी कोई भी किसी चीज़ के कभी उसकी हमायत नहीं करेंगे जो हमारे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ कोई बात होगी।